तो ये गाइस जैसे फ्रेंड बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपको अच्छे इस नए वीडियो में। देखो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली आज खत्म हो रहा है डिफरेंशिएशन, जिसका देखो मिसलेनियस के साइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है ना, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट सब खत्म हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलो सोल्यूशन निकालते हैं इसका। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको वाई को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरी चीज आएगी, ठीक है ना, ये उसको पूरा उठा के धर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गए। अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले चीज फॉर्मूला समझ ले, वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हमको समझ में जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स बाई टू, नहीं समझ में आ रहा तब भी समझ लेना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फॉर्मूला याद रखना बस इसका, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू को क्या होता है, होल स्क्वायर, ठीक है। और वन माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बस ये जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं लिखूंगा डी वाई डी एक्स ऑफ, यहाँ समझना ये अंडर रूट वन प्लस एक्स वन प्लस साइन एक्स क्या, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ठीक है। क्या हो गया, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स क्या आ गया, ये आ गया एस्टिस, बस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स आ गया, ये वाला आइडेंटिटी आ जाएगा, तो कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू क्या हो, क्या हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा आसान है। इन दोनों की वैल्यू क्या होगा सर, फॉर्मूले का हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, वैल्यू स्पोर्ट कर दी, ठीक है ना, उसी के नीचे आएगा पॉन में अंडर रूट पॉन अंडर रूट क्या आएगा, ये वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है, तो एस्टे रख देंगे, कॉस एक्स बाय टू, समझ में आ रहा है, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट ये फॉर्मूला है, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर, बस उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसको करने की, देखो अंडर रूट और स्क्वायर क्या होगा, आपस में सब कैंसिल हो गए, सब आपस में अंडर रूट सब कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर बचेगा मेरे पास, ध्यान से समझना, कॉस एक्स बाय टू, ठीक है ना, कॉस एक्स बाय टू बचेगा प्लस साइन एक्स बाय टू बचेगा, ठीक, और प्लस बचेगा, प्लस बाद अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बाय टू बचेगा, एज इट इज वैल्यू उठा के रखते चले आओ ना, उसके बाद फिर माइनस साइन एक्स टू साइन एक्स बाय टू बचेगा, तो क्या कर दिए, मैंने सबकी वैल्यू लाइन से पुट कर दिए, मतलब एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में आएगा ये, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट सब कैंसिल होते चला जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस, अब देखना ये माइनस क्या है यहाँ पे है, तो जैसे ही पूरा ब्रैकेट हटेगा तो माइनस कॉस एक्स बाय टू हो जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस कॉस एक्स बाय टू, अब ये जैसे माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, जैसे ही रूट कैंसिल होगा तो एक ब्रैकेट बनेगा, और ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाएगा तो माइनस इंटू माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस साइन एक्स बाय टू आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो कट पैटर्न सबको काट देंगे, तो क्या कट रहे हैं आप, साइन एक्स बाय टू कट रहे हैं, साइन एक्स बाय टू कट रहे हैं, कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू कट रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से सब कुछ काट पीट दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के, बट पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो ड्रॉप कर रहे हैं। देखो क्या है मेरे पास, डी वाई डी एक्स निकाल रहे थे हम, तो क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, सर कॉस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, यहां पर लिख देंगे कॉस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, अपॉन क्या है, साइन एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, तो हम लिख देंगे साइन एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे सिंपल, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टू कॉस एक्स बाय टू टू कॉस एक्स अपॉन टू, ठीक, उसी के नीचे आएगा क्या, टू साइन एक्स बाय टू टू साइन एक्स अपॉन टू, टू कैंसिल टू कैंसिल, क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ था कॉट इनवर्स करके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसके ऊपर क्या था, कॉट इनवर्स था,
ध्यान रखना ठीक है। एक मिस्टेक हो गई, कॉट इनवर्स था हर फॉर्मूले में ठीक है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कॉट इनवर्स था इसके बाहर ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कॉट इनवर्स था, तो उसको ध्यान से लगा देना। तो क्या चल रहा था है ना, क्या चल रहा था, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ से मैं कॉट इनवर्स ठीक है ना, कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स ठीक है ना, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, कॉट इनवर्स ठीक है ना। तो कॉट इनवर्स ठीक है, सब में कॉट इनवर्स था स्टार्टिंग से ठीक है, देख लेना क्वेश्चन में ठीक है। कॉस एक्स बाई टू प्लस अपॉन साइन एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा ठीक है ना, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू होते हैं, तो कॉट एक्स बाई टू मेरा आ गया आंसर ये। अब इसको हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर रहा हूँ, चाहो तो पॉज कर नोट कर लो इसको, इसको जल्दी पॉज कर नोट करो, नोट कर लिया चलो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे इसका कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू का, तो एक्स बाई टू क्या बचेगा मेरे पास, एच टेस्ट ठीक है ना, कॉट इनवर्स कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होते हैं, थीटा के बराबर होते हैं ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बाई टू से हमारा बच जाएगा, तो डी बाई डी एक्स हम निकालेंगे किसका, एक्स बाय टू ठीक है। तो अब वन बाय टू, वन बाय टू को बाहर कर दो, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन होता है, तो वन एंड टू वन इज नथिंग बट वन अपॉन टू, तो फाइनली मेरा क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया वन बाय टू ठीक है। पॉज करके नोट कर लो उसको भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो गिवन है। अब इसमें क्या करना है, प्रूव करना है डी बाई डी एक्स इसके बराबर है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मेरे को डी बाई डी एक्स प्रूव करना है ठीक है। मेरे पास क्या है, ये गिवन है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि अब देखना इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास क्या है, एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई है प्लस वाई अंडर रूट इज इक्वल टू जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगा एक्स वन प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू, ध्यान से पढ़ना। अब क्या करूंगा, वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स को मैं क्या करूंगा, उस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई है ना अंडर रूट वन प्लस एक्स ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा उस साइड चला गया तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स आ गया एक्स वन, तो ये फाइनली आ गया एक्स वन प्लस रूट वन प्लस वाई और माइनस वाई वन प्लस रूट रूट वन प्लस एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे वो साइड, सिंपल यहाँ याद रखना ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का ट्रिक याद रखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और अंडर रूट का एक्स स्क्वायर हम देखता तो हम जानते हैं कि अंडर रूट यदि हम एक्स स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, विशेष फॉर्मूला होता है ठीक है ना। तो हम इसको स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, वन प्लस सिर्फ वाई बचेगा ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर दी हमने, और माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर बस होता है तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब रूट वन प्लस एक्स को स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा वन प्लस एक्स ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर दी ध्यान रखना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है। इस तरीके से क्या किया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, अब हम वाई स्क्वायर को यहाँ पे जाएंगे और एक्स स्क्वायर वाई को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। और अब मेरे पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर एस टेस्ट बचेगा यहाँ पे ठीक है ना, अब हम एक्स स्क्वायर वाई को वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सिंपल है ना। एक्स वाई स्क्वायर को देखो, वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिया इधर पे लिया और एक्स स्क्वायर वाई को वहां पे ले गया, सिंपल। तो क्या बन गया मेरे पास, एक्स देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है ना, सबसे फेमस आइडेंटिटी है ये ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूंगा, एक्स वाई कॉमन निकाल लूंगा, तो एक्स वाई कॉमन निकल गया और क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स बचेगा ठीक है ना, ध्यान से ध्यान देखो तो वाई माइनस एक्स बचेगा और एक्स वाई बनेगा। अब इसको मैं क्या करूँ, माइनस बाहर निकाल लूंगा ठीक है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई बन जाएगा ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसका जो माइनस है वाई माइनस एक्स, तो इसको माइनस हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, माइनस एक्स वाई आ गया। और जैसे मैंने क्या कर दिया, माइनस बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा ये, माइनस वाई प्लस एक्स ठीक है ना, माइनस वाई प्लस एक्स मतलब कि एक्स माइनस वाई, इसको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, एक्स माइनस वाई बन जाएगा ठीक है। तो अब आप ध्यान से देख रहे हो सब मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बच गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई बच गया। अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो पहले पॉज करके इतना नोट कर लो, चलो नोट कर लिया मिटाओ चलो।
क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे y को वहां पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। टेक्निक्स देखते चले जाओ बस। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई था, वाई आएगा तो क्या होगा माइनस वाई, तो माइनस एक्स वाई एज इट इज इंटू यहाँ पे क्या हो गया माइनस वाई एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे y को यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब ध्यान से देखो तो माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, तो मतलब माइनस कॉमन निकाल सकता है y दोनों साइड, तो y कॉमन निकाल सकता है, तो माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वाई कॉमन निकला और x प्लस वन मेरे को एज इट इज मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस x प्लस वन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा माइनस x अपॉन x प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा y, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा सा मैं सॉल्व करते चले आऊंगा, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो चलो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन, अब इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो वन प्लस एक्स चाहो तो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे, अब हम निकालेंगे डीवाई बाई डी एक्स, देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल पढ़ा है आपने, क्वेश्चन रूल में वैसे बहुत अच्छे वीडियो में सारे वीडियो समझाया था कैसे करते हैं, ध्यान समझना। देखो क्या करेंगे, वन प्लस एक्स में यहाँ पे एस टीज आऊंगा, वन प्लस एक्स एस टीज आ गया, ठीक है। एक चीज का ध्यान, क्वेश्चन यहाँ पे अंडर रूट बने को वन प्लस एक्स को एक्स का होल स्क्वायर मेरे को प्रूव करना, ठीक है ना, क्वेश्चन का ये ध्यान से वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर मेरे को माइनस वन अपन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर मेरे को dy/dx प्रूव करना है। अब देखो वन प्लस एक्स लिख दिया, माइनस को चलो अभी हटा दिया हमने बाहर, माइनस को बाहर कर दिया, अब देखो ठीक है माइनस बाहर गया। अब इसको देखो वन प्लस एक्स को मैंने खाली रखा, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब उसके बाद क्या आता है माइनस, क्या आता है माइनस, अब हम क्या कर देंगे इसको रखेंगे खाली, किसको, इसको खाली रखें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो पहले इसको खाली रख देना, ठीक है ना, पहले क्या किया इसको खाली रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको रख, अब इसको खाली रखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सिंपल, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स, सिंपल है, बड़ा सा है। अब उसके बाद अंडर रूट, सॉरी होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन क्या होता है इसका स्क्वायर हो जाता है, तो होल अपॉन वन प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो पहले पॉज कर लेते हैं, नोट कर लो, नोट कर लिया, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी बाई डी एक्स मैंने क्या निकल रहा था, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस बाहर था, अब देखो वन प्लस एक्स एस टी आएगा और डी बाई डी एक्स को एक्स निकालोगे तो क्या होता है वन होता है, वन इंटू वन प्लस एक्स क्या होता है वन प्लस एक्स ही होगा, तो वन प्लस एक्स एस टी आ गया, माइनस एक्स है माइनस एक्स एस टी आ गया। अब वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो वन का तो कॉन्स्टेंट का हो जाएगा जीरो, और एक्स का निकालोगे तो उसका भी आएगा वन, तो वन इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स, ठीक है, तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स होल अपॉन क्या था वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसको एस ब्रैकेट का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। तो फाइनली देखो एक्स एक्स यहाँ पे कट गया आएगा, तो एक्स ये कट गया, ये कट गया, माइनस था यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस था यहाँ पे, ठीक है, तो फाइनली मिला है, फाइनली साथ मेरा आंसर आ गया माइनस वन होल अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ चुका है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लो सारा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मैं इसका अलग तरीके इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉस एक्स प्लस ए प्लस वाई को हम क्या करेंगे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और एक्स के इक्वली आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा कॉस वाई, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हो कॉस वाई अपॉन ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स एज इट इज बचा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा कॉस वाई अपॉन क्या था ये कॉस ए प्लस वाई, ए प्लस वाई भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है देखने वाली बात, अब यहाँ पे एक्स आ चुके हैं और यूजर क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पे वाई दिया है तो यहाँ पे सारी चीज़ में एक्स आ रहा है। अब हम यहाँ पे उल्टा करेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स आ गए हैं और यहाँ पे वाई है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसे, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, किसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई को, ठीक है, तो विद डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, y, अब यहाँ पे स्पेशल केस है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा और dy आएगा नीचे बस, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ d बाई डी d अपॉन dy, ये
कॉस वाई अपॉन कॉस ई प्लस वाई। अब इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं, जब भी हम इसको क्वेश्चन रूल लगाते हैं इसमें, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले इसको खाली छोड़ते हैं, सेकंड वाले को खाली छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले को हमने खाली छोड़ दिए, ठीक है। और इसको हम एक सेकेंड, इसको यहाँ इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाले को खाली छोड़ेंगे, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई को हमने खाली छोड़ दिया, तो सबसे पहले कॉस ए प्लस वाई को हमने खाली छोड़ा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस वाई को, तो डी अपॉन डी वाई ऑफ कॉस वाई, सिंपल डी बाय ऑफ कॉस वाई, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, माइनस माइनस आई आएगा, और उसके बाद कॉस वाई को हम खाली छोड़ देंगे, तो कॉस वाई आ गया इंटू, फिर किसका क्या करेंगे, डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई, तो डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई आ जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से। तो उसके बाद अपॉन में लिख दें, अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ई प्लस वाई, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल दिया, ठीक है। उसको हम और सॉल्व करते चले आएंगे, ठीक है। पहले इतना पॉज करें, नोट कर लो। ठीक है, अब इसको हम फाइनली और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, कॉस ई प्लस वाई एज इट इज, ठीक है, इंटू कॉस वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। पहले एक्स था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, यहाँ पे वाई है, तो क्या आएगा, कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस साइन वाई लिखना, गलती से भी एक्स मत लिखना, आंसर गलत हो आएंगे, तो माइनस साइन वाई लिख देना, ठीक है। ब्रैकेट में माइनस साइन वाई आ गया, अब माइनस कॉस वाई एज इट इज आएगा, ठीक है, इंटू डी वाई डी एक्स डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई। अब यहाँ पे ध्यान ध्यान से समझना है, यहाँ पे लगेगा क्या, चेन रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब भी मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो बाहर वाले से स्टार्ट करो, बाहर वाले को फिर पहले बाहर वाले सॉल्व करो, फिर अंदर वाला सॉल्व करो। बाहर क्या है, कॉस, तो ठीक है, तो 2 मिनट के लिए इसको मान लो क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है, एक्स है, अंदर वाले को मान लो एक्स है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम देखें तो माइनस साइन एक्स होता है, बट यहाँ पे तो क्या है, वाई है, तो चलो मान लो 2 मिनट के लिए हम उसको वाई ले लेते हैं। सपोज कॉस वाई यदि होता तो आप उसको डिफरेंशिएट करते तो क्या होता, माइनस साइन वाई, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, साइन लिखूंगा, वाई लिखूंगा, बट वाई मैंने क्या दिया, ए प्लस वाई। तो पूरा ध्यान समझना, वाई को हटा के ए प्लस वाई जरूर लिख देना, ए प्लस वाई आ गया। अब बाहर वाले इस तरीके से सॉल्व हो जाता है इसके बाद। अब जैसे ही बाहर वाला सॉल्व हुआ, अब इसके बाद हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अंदर क्या है, ए प्लस वाई, तो इसको हम लिख देंगे डी अपॉन डी वाई ऑफ ए प्लस वाई, सिंपल, ठीक है। तो अपॉन आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई, बस इस तरीके से क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस, इसको आगे लेंगे तो क्या आया, माइनस साइन वाई बन गया, ठीक है, कॉस ए प्लस वाई बन गया, माइनस कॉस वाई एज इट इज, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड में, ठीक है ना, आपस में, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, कॉस वाई, अब ये बन जाएगा साइन ए प्लस वाई। अब ध्यान से समझना, डी वाई ऑफ ए प्लस वाई क्या होगा, वन होगा, ए का यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और डी वाई ऑफ वाई का करोगे तो वन होगा। जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ, यदि हम एक्स का करते हैं तो क्या होता है, वन आता है, वैसे ही डी वाई ऑफ वाई का करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, तो वन इंटू साइन ए प्लस वाई क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, ठीक है। तो एज ये आ जाएगा, अपॉन अपन आएगा कॉस स्क्वायर ई प्लस वाई, फाइनली आ गया। अब इसके बाद क्या था, अब देखो बस इसमें यहाँ पे अब एक फॉर्मूला ध्यान समझना, साइन, अब 11th क्लास का एक फॉर्मूला लगे है यहाँ पे, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसका एक फॉर्मूला था जो कि होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था ये। तो ध्यान समझना, अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसके अब यहाँ पे क्या है, जैसे वाई है, कॉस ए प्लस वाई है, प्लस कॉस वाई है, साइन ए प्लस वाई है, तो आप यहाँ पे एक्स वाई को बस रिप्लेस करके बाकी साइन एक्स प्लस वाई ऊपर मेरे को लाना है, एक्स प्लस वाई के कुछ वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं क्या होगा, पहले तो पॉज करके नोट कर लो। अब ध्यान समझना, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें बेसिकली हम पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको पहले पूरा सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं।
जैसे यहाँ पे क्या है माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, तो उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आगे ले आते हैं, ठीक है। तो कॉस वाई क्या बन जाएगा, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई आगे आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा, तो क्या आएगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। और अपॉन क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बचेगा, ठीक है। अब नीचे वाला मैं रफ कर रहा हूँ, चाहो तो उसको नोट कर लो, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और बचा इसका, ठीक है, इसको पहले हटा दो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। कॉस ए साइन बी माइनस साइन बी कॉस ए, मतलब वही 11 का फॉर्मूला था। वो क्या कहता है फॉर्मूला, ये कहता है कि यदि कॉस ए कॉस ए साइन बी होता है, या फिर चलो मान लो एक्स है कॉस एक्स साइन वाई है माइनस साइन एक्स कॉस वाई है, तो इसका फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि इसका आगे पीछे भी कर सकते हो साइन, तो इसका फाइनल फॉर्मूला ये होता है साइन साइन एक्स माइनस वाई, बस ये फॉर्मूला होता है। अब बस इसी का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा साइन, ठीक है, साइन में जैसे एक्स यहाँ पे क्या होगा ए प्लस वाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस वाई, ठीक है ना। बस वैल्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। माइनस क्या है, जैसे यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे ए प्लस वाई मैंने लिख चुका हूँ, यहाँ पे मैं इसको वाई ले लेता हूँ, ठीक है ना। वैल्यूज आगे पीछे आप चाहो तो कर सकते हो, होल अपॉन क्या आएगा कॉस स्क्वायर ई प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना साइन एक्स माइनस वाई में आप ए प्लस वाई ले लेना एक्स को, और माइनस वाई को माइनस वाई ले लो, तो वाई से वाई देखना, अब ध्यान समझना क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, ये वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को साइन ए मिलेगा, साइन ए मेरे को मिल गया, अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, बस, ठीक है ना। इस तरीके से ये मेरा आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद करना क्या है, लाना तो ये था मेरे को, बट आया क्या मेरे पास, ये आया, अब उसके पास एक स्टेप करना है इसको, ठीक है। पॉज करके इतना नोट कर लिया, अब रफ कर रहे इसको, चलो यार जल्दी जल्दी इसको रफ करो, चलो। देखो फाइनली मेरा आंसर आ चुका है, मैं क्या निकाला था यहाँ पे dx अपॉन dy निकाल रहा था मैं यहाँ पे, ध्यान रखना dx अपॉन dy मेरा क्या आ गया था, ये आ गया था, ठीक है ना। तो क्या आ गया था साइन ए अपॉन क्या था कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई ये आ गया मेरा पूरा क्या dx अपॉन dy। अब इसको फ्लिप कर लो तो मेरा वो फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको फ्लिप करोगे तो dy by dx is equal to क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन क्या आएगा साइन ए आ जाएगा, ठीक है, आ गया डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, सर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक्स को लेंगे, फिर वाई को लेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, फिर उसके बाद लास्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमको निकालना है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एक्स है, एक्स इक्वल टू में सॉल्यूशन सबसे पहले ये लिख दूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको क्या रखेंगे, हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब टी है, इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आ गया मेरे पास dx upon dt equal to d by dt of x की वैल्यू हो जाएगी a cos t plus t sin t, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक बार कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाइड में, ठीक है, कांस्टेंट है। अब cos t का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, माइनस sin t लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे टी साइन टी को हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टूल में ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है ना। मेथड मैंने बहुत समझाया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस साइन टी ऐसे आएगा, फिर डी बाई डी टी ऑफ टी, इस तरीके से क्या हो जाएगा फाइनली, क्या आएगा मेरे पास ए इंटू माइनस साइन टी एज इट इज, माइनस साइन टी क्या होगा एज इट इज आएगा, प्लस टी एज इट इज आएगा इंटू साइन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है कॉस टी होता है, ठीक है ना। तो कॉस टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन टी एज इट इज आएगा, प्लस साइन टी, ठीक है ना, इंटू अब देखो डी वाई डी टी ऑफ टी का करोगे डिफरेंशिएट तो क्या आएगा वन आता है, ठीक है ना। तो वन इंटू साइन टी दैट इज साइन टी, तो
तो क्या आ गया मेरे पास माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, तो साइन टी कैंसिल होगा, माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा मेरे को ई टी कॉस टी मिलेगा, कॉस टी मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे को डी एक्स अपॉन डी टी मिल गया। अब इसी सेम तरीके से हम क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे। तो हमको सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या मिलेगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देना रफ वर्क में ए टी कॉस टी। अब निकालेंगे वाई के लिए, ठीक है पहले तब पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिया स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी नोट करो, ठीक है चलो। y इक्वल टू क्या है देखो y के लिए करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा एज इट इज आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ y, y की वैल्यू क्या है ये, तो a साइन t माइनस t साइन t, इस तरीके से इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना टी यहाँ पे क्या है साइन टी, यहाँ पे कॉस टी, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे कॉस टी बसाएगा, ठीक है ना, टी कॉस टी आएगा यहाँ पे, ध्यान से समझो यहाँ पे आएगा कॉस टी इस तरीके से। अब इसको क्या करें डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है सबसे पहले ए बाहर आ जाएगा, ठीक है डी वाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है, कॉस टी लिख देंगे, ठीक है माइनस टी कॉस टी उसमें अलग है प्रोडक्ट रूल, तो उसको हम अच्छे समझते हैं क्या कैसे होता है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बाहर वाले को बाहर रहने दो, अंदर वाले डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी प्लस लिख दो कॉस टी एज इट आएगा, और उसके बाद फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो क्या मिल जाएगा मेरे को ए इंटू कॉस टी एज इट आएगा, ठीक है कॉस टी एज इट आएगा। अब उसके बाद फिर क्या टी एज इट कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी लिख देंगे, ठीक है प्लस कॉस टी, बट यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस जैसे अंदर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ से माइनस अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस टी। अब डी वाई डी टी वाई टी निकालोगे तो वन आएगा, तो वन इंटू कॉस टी दैट इज कॉस टी, ठीक है तो कॉस टी आ गया। इस तरीके से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा ए यहाँ पे कॉस टी माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस टी साइन टी, ठीक है माइनस कॉस टी कॉस्टी कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा मेरे को समझ आ रहा क्या मिल जाएगा ए टी साइन टी मिल जाएगा, क्या मिलेगा मेरे को डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना। मेरा क्या आ गया डी एक्स बाई डी टी आ गया, डी वाई बाई डी टी भी आ गया, क्या था ए टी साइन टी, ठीक है पॉज करके नोट करो आगे बढ़ते हैं, पॉज कर नोट कर लिए चलो। हम फाइनली निकाल लेंगे क्या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इसको आप चाहो तो इक्वेशन वन ले लो, इसको टू ले लो, ठीक है तो लिख देना क्या टू डिवाइडेड बाय वन, तो क्या मिल जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या डी वाई बाई डी टी, ठीक है अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था ना बता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या थी ए टी साइन टी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए टी साइन टी, ठीक अपॉन dx by dt की वैल्यू क्या थी at cos t, यहाँ पे लिख देंगे at cos t, ठीक है तो यहाँ पे a t से t कैंसिल a से a कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा sin t और upon cos t, तो क्या क्या मिल गया tan t मिल गया मेरे को, ठीक है ना tan t मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज का ध्यान रखना मेरा क्या निकाल गया dy by dx equal to tan t आ गया। अब ध्यान से समझना मेरे को निकालना क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या करें अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा, ठीक है ना समझ में आएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा, ठीक है टेन टी का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर टी, यहाँ पे सेक स्क्वायर टी तो मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर टी इन टू, यहाँ पे क्या है मैं x के रिस्पेक्ट में किया हूँ और यहाँ पे क्या है t है, तो dt टी बाई डी एक्स आ जाएगा बाद में, ठीक है तो dt टी बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब dt टी बाई डी एक्स क्या था, यदि इसको फ्लिप कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन ए टी कॉस टी, समझना समझना ध्यान से, इसको मैं फ्लिप करूंगा तो क्या हो जाएगा dt टी अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा ये वन अपॉन ए टी कॉस टी बन जाएगा,
अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना, इसको निकाल लें साथ ही में रफ में, तो आपको क्या मिलेगी, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी 1/80 का, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, तो क्या मिलेगा ये sec स्क्वायर टी को भी यहाँ पे आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1/cos²t, तो मैं लिख दूंगा कि 1/cos²t, ठीक है, इंटू डी टी बाई डी एक्स आएगा 1/80cos t, यहाँ पे लिख दूंगा 1/80cos t, ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या है, d2/dx² का है ना 1/80cos³t, फाइनली इसका ये इसका मेरा आंसर आएगा d2/dx² = 1/80cos³t, पॉज करके नोट कर लो। तो यार फाइनली मैंने मैसेलेनियस के साथ के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अच्छे से एकदम जो बोर्ड में आ सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने सब कवर सब कुछ कवर करवा दिया, डिफरेंशिएशन फाइनली खत्म, 30 डेज प्लस पूरी खत्म, ठीक है, सारी सीरीज खत्म, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ने पूरा आज फाइनली खत्म कर दिया, ठीक है, और मैंने वीडियोज बनाए प्ले मैट्रिक्स के, रिलेशन फंक्शन के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, कैसे पढ़ना है, स्टडी मटेरियल पूरा आपको चैनल पर मिलेगा, प्ले लिस्ट में भी देख लो, चैनल में भी देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो, ठीक है, इसके साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय, थैंक यू सो मच।